राम राम भाई सभी को। तो आज करने जा रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट का बिल्कुल बेसिक। तो मैंने जैसे स्क्रीन पर देख रहे हो आगे आप, सिंपल इंटरेस्ट का मैंने ये लिख रखा है फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट का, जो कि हमारे पास जैसे हम किसी को ब्याज पे पैसे देते हैं उस बेस पर चलेगा सारा का सारा सिस्टम। ये किसी आपको ब्याज पे पैसे दिए हैं, कोई रेट पे दिए हैं, देते भी होंगे, तो उसके हिसाब से सारा का सारा ये चैप्टर अपना, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है भाई, प्रिंसिपल रेट गुणा में टाइम, प्रिंसिपल गुणा में रेट गुणा में टाइम बटे में सो। तो प्रिंसिपल क्या होता है जिस पर हम पैसे उधार देते हैं, जैसे आपने 1,000 रुपये दे दिए किसी को उधार पे, ठीक है, तो ये आपका प्रिंसिपल हो गया। रेट क्या होता है कि रेट वो होता है कि भाई हम कितने परसेंट पे देते हैं उसको उधार, कि भाई मार को इतना रेट, जैसे आपने दे दिया 2% पे, तो क्या आएगा हमें इसका, अगर जब वो हमें लौटाएगा और कितने टाइम बाद लौटाएगा, तो उसका हमें, उसने हमें 2% के हिसाब से मार्को मुनाफा आएगा उसके ऊपर। जैसे प्रिंसिपल तो देगा देगा वो मेरे को 1,000 रुपये, तो उसने देने देने हैं, तो उसके ऊपर क्या करेगा, वो 2% और देगा मार को इसके ऊपर। तो ब्याज पर देने का भाई फ़ायदा ये होता है कि भाई जो मार को रेट मिलता है ना, वो हमको मुनाफे के तरीके पर मिल जाता है। जो हमने दिया है वो पैसा तो मिले ही मिलेगा, लेकिन जो रेट का है, जैसे 2% निकालेंगे हम, अगर हमने 1 साल की दिया है तो 2% निकाल लेंगे हम कितने का, 1,000 का, तो कितना आ जाए, 20 रुपये का मुनाफा हो जाए हमने 1 साल में। तो अगर वो 1 साल बाद हमें देगा तो 1,020 रुपये उसने हमको लौटाने पड़ेंगे, जिसमें तो क्या है, 1,000 तो हमारा मूलधन है, जिसमें 20 रुपये क्या है हमारा इंटरेस्ट, जो कि ब्याज होता है, ठीक है। तो यह बात थी इंटरेस्ट की, प्रिंसिपल की, और टाइम वो होगा भाई कितने टाइम से दे रहे हैं हम। जैसे 1 साल के लिए दे रहे तो टाइम की जगह 1 आ जाएगा, अगर 2 साल के लिए दे रहे तो टाइम की जगह 2 आ जाएगा, 3 साल का तो 3, और बटे में कर देंगे हम 100। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट किसके बराबर होया, प्रिंसिपल जिस पर हम राशि दे रहे हैं, जितनी राशि, जैसे 100 रुपये दे रहे हैं, गुणा में रेट कितने परसेंट रेट पर दे रहे हैं, गुणा में टाइम, और बटे में हो जाए हमारे पास 100, ठीक है। तो ये बिल्कुल बेसिक सा फॉर्मूला है सिंपल इंटरेस्ट का, इससे सारे क्वेश्चन कराऊंगा मैं। और एक बात और बता दूं कि भाई जो सिंपल इंटरेस्ट होता है उसमें ब्याज हमेशा हर साल का बराबर रहता है, ना कि कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह। अगर जब आगे कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ाऊंगा तो कंपाउंड इंटरेस्ट का अलग सिस्टम होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, ब्याज जो होता है वो ब्याज भी मूलधन में जुड़ जाता है, और उस ब्याज के ऊपर फिर ब्याज लगता है। तो सिंपल इंटरेस्ट में ऐसा कोई केस नहीं है। अगर जैसे आपका 20 रुपये पहले साल का ब्याज है, तो अगले साल का भी ब्याज 20 रुपये होगा। जैसे पहले साल का 20 रुपये, फिर दूसरे साल का 20 रुपये पे, तो 2 साल बाद वो कितने रुपये देगा आपको, 1,040 रुपये लुटाने पड़ेंगे जिसने आपसे पैसे लिए हैं। तो इसमें एक और ख़ास बात है कि भाई ब्याज हमेशा सेम रहेगा हर साल का, ठीक है। तो ये थी भाई बात सिंपल इंटरेस्ट के बिल्कुल बेसिक की। तो इस तक फालतू आपने बेसिक करने की जरूरत नहीं है, जो मैंने बता दिया इस तो बहुत है। और जो भी पेपर में इसका लेवल आएगा वह मैं क्वेश्चन कराऊंगा इसके बाद। क्वेश्चन देख लो, पहला सिंपल इंटरेस्ट का ICS के नोट्स हैं। तो पहले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कैलकुलेट द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 25,000 एट द रेट ऑफ 5% फॉर 3 साल के लिए, ठीक है। तो क्या बात है, देखो भाई ये तो हो गया हमारे पास 25,000 हमारा प्रिंसिपल, ठीक है। 25,000 रुपये का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज, रेट दे दिया 5% का, टाइम दे दिया 3 साल का, सिंपल फॉर्मूले में पुट करना है। तो सिंपल इंटरेस्ट हमारे पास किसके बराबर आ जाए, प्रिंसिपल कितना है 25,000, रेट कितना है 5% का, टाइम कितना है 3 साल का, और बटे में हमने बताया था 100 कर देना है, तो 2 जीरो तो 2 जीरो गई, 25 पंजे 125, और गुणा में कर दो 3, कितना आ जाए, 3 जीरो 3 5 15, 1 3 दूनी 4 1 7 और 3 एकम 3, तो 3750 आ जाएगा भाई इसका ब्याज समेत। तो हमने अगर तो 3750 आ गया हमारे पास कि क्या आ गया इसका ब्याज, और 25,000 रुपये उसने दिए थे जो कि सिंपल इंटरेस्ट पे दिए हैं, ठीक है। तो पहले साल का ब्याज कितना है इसका, 3750। तो समझ गए करने भाई सारे क्वेश्चन, कुछ नहीं है, बस प्रिंसिपल है, रेट दे रखा है, टाइम दे रखा है, सिंपल फॉर्मूले में हमने पुट करना था इस क्वेश्चन में, ठीक है। अगला देख लो क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कैलकुलेट द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹3,000 एट द रेट ऑफ 4% पर एनम का मतलब क्या होता है, पूरे साल का, फोर 5 साल सिंपल इंटरेस्ट हमने निकालना है, बराबर प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कितना है 3,000, मैं ऊपर फॉर्मूला लिख देता हूँ,
प्रिंसिपल गुणा में रेट गुणा में टाइम बटे में 100। तो प्रिंसिपल कितना हमारे पास 3000, रेट कितना है 4% का, टाइम कितना है 5 साल का, और बटे में कर देंगे हम 100। तो 5 चौके 20 और 3 दूनी 6, तो 600 आ जाए हमारे पास इसका आंसर, मल्टीप्लाई हो जाएगा, सिंपल बात है। ठीक है, तो ये हो गया दूसरा क्वेश्चन हमारे पास इसका। उसके बाद बात आती है तीसरे की। तीसरे क्या कह रहे हैं, अशोक ने 15,000 रुपये 3 वर्ष 3 रुपये, अशोक ने 15,000, अशोक बोरोड रुपीज़ 15,000 फॉर 3 ईयर्स, 3 साल के लिए अशोक ने 15,000 रुपये उधार लिए। इफ़ ही पेड रुपीज़ 2700 एज सिंपल इंटरेस्ट, फाइंड द रेट ऑफ पर एनम। हमने क्या करना भाई, सिंपल इंटरेस्ट का मैंने फॉर्मूला बता दिया आपको, उसने क्या क्या दे दिया, प्रिंसिपल दे दिया जिस पर हमने उधार उठाए हैं, मतलब कितने रुपये उधार उठाए हैं 15,000 रुपये, टाइम दे दिया है 3 ईयर्स मतलब 3 साल का, और उसने क्या करा, इफ़ ही पेड रुपीज़ 2700 एज सिंपल इंटरेस्ट, मतलब 3 साल का उसने सिंपल इंटरेस्ट दे दिया है 2700 रुपये, 3 साल का उन्हें सिंपल इंटरेस्ट दे दिया 2700 रुपये। तो क्या पूछा है उसने, मारते एक के चीज़ पूछगी बचगी के बचगी, रेट बच गया भाई। तो सिंपल हमने बस फॉर्मूला में पुट करना और कुछ फालतू काम नहीं करना, 2700 जो कि सिंपल इंटरेस्ट है बराबर किस क्या होगा, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कितना हमारे पास 15,000 गुणा में टाइम कितना है 3 साल का, रेट हमने पता नहीं तो रेट की जगह आर लग लेंगे, और बटे में आ जा 100, तो 2 जीरो तो ये 2 जीरो गई, तो आर ने रखो भाई यहीं पे, यो 3 और 150 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो वहाँ जा के करेंगे इसके नीचे डिवाइड करेंगे, तो कितना आ जाएगा 2700 बटे में 150 गुणा में 3, तो 3 निम्मे 2700 आ गया, 1 जीरो तो 0 काट दो, 3 3 9, 3 5 15, 5 6 30, तो क्या आ जाएगा हमारे पास इसका आंसर, 6% आ जाएगा हमारे पास इसका रेट, जो कि उसने वार्षिक दर पर दिया, तो 6% वार्षिक दर से उसने ब्याज पर पैसे दिए हैं, कितने 15,000 रुपये 3 साल के लिए, जिसका सिंपल इंटरेस्ट उसके पास आया 2700 रुपये। ठीक है, तो तीसरे का आंसर होगा 6% हमारे पास। उसके बाद क्वेश्चन है हमारे पास चौथा, ऑन व्हाट प्रिंसिपल, इसमें पूछ लिया प्रिंसिपल क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट विल बी 200, टाइम दे दिया 2 साल का, रेट दे दिया 5% का, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हमारे पास 200 रुपये बराबर, प्रिंसिपल हमने निकालना तो पी रख लेंगे, रेट हमारा दे दिया 5% का, गुणा में टाइम दे दिया 2 साल का, हमने पता है नीचे हमने रखना पड़ेगा 100। ठीक है, तो प्रिंसिपल किसके बराबर हो जाए भाई हमारे पास, पहले तो इसने काट लो 5 दूनी 10, अरे आ जाएगा 10 पे, तो प्रिंसिपल किसके बराबर आ गया 200, अरे 10 वहाँ जगह आ करेगा मल्टीप्लाई, तो कितना आ गया प्रिंसिपल 2000 रुपये। ठीक है, तो 2000 रुपये हो गया इसका आंसर। उसके बाद देख लो भाई पांचवा क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ऑन व्हाट प्रिंसिपल सिंपल इंटरेस्ट विल बी 150 फॉर 5 ईयर एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। बिल्कुल सिंपल है, पहले अड़ी डाल है प्रिंसिपल हमें निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है 150 एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, तो हमने क्या करना प्रिंसिपल निकालना, तो प्रिंसिपल हम पी का पी रख लेंगे, रेट दे रखा है हमारे कितना 10% का, और टाइम कितना दे दिया 5 साल का, और बटे में कर देंगे भाई 100, तो 1 जीरो तो 1 जीरो गई, और फिर 5 दूनी 10, तो प्रिंसिपल कितना आ जाए भाई, ये 2 वहाँ चाह करेगा मल्टीप्लाई, तो 150 गुणा में 2 जो कि बराबर आ जाए हमारे पास 300 के। ठीक है, ये हो गया पांचवा क्वेश्चन। उसके बाद छठे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, प्रिंसिपल बिकम एन अमाउंट ऑफ रुपीज़ 840 इन 12 मंथ एट द रेट ऑफ 5% पर एनम, व्हाट इज द प्रिंसिपल। तो क्या कह रहा है, देखो 840 रुपये बन गया, तो छठे क्वेश्चन में भाई देख लो थोड़ा लेवल बढ़ गया इस क्वेश्चन का। क्या कह रहा है कि अब प्रिंसिपल यदि कोई धनराशि 12 माह की जगह हम लिख लेंगे 1 साल, 12 माह में 5% वर्ष, 5% हो गया हमारे पास रेट वार्षिक, वार्षिक मतलब 1 साल का, इसलिए हमने 12 महीने 1 साल ले लिया, ब्याज की दर से 840 रुपये हो जाती है, तो वह धनराशि क्या है, 840 रुपये होगी। क्या मतलब कह रहा है भैया, बात समझण की है ना, या प्रिंसिपल है या ना हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट है। इसने क्या कहा भाई, हमने कोई भी अमाउंट दिया है, जैसे मान लो हमने 100 रुपये दे दिए, तो इसने बात क्या की है भाई, ये जो अमाउंट है ना वो हमारी क्या होगी, 840 होगी है,
इसमें क्या है हमारे पास इसका प्रिंसिपल भी है जो हमारा मूलधन था और उसमें सिंपल इंटरेस्ट जो हमारा ब्याज है वो भी ऐड है दोनों। तो जो है 840 अमाउंट दी है ना इसने वो किसके बराबर है, वो प्रिंसिपल भी है उसमें और उसमें सिंपल इंटरेस्ट भी ऐड है। देखो क्या कर रहा है, प्रिंसिपल बिकम एन अमाउंट ऑफ रुपीज़ 840, मतलब हमने कोई भी रुपये ब्याज पर दिए उसके क्या हुआ है एक साल बाद वो 840 रुपये हो गए, उसने हमारे को 840 रुपये उल्टे दे दिए, मतलब उसमें ब्याज भी है और उसका मूलधन भी है। तो वो कह रहा है कि भाई उसका प्रिंसिपल क्या था, मतलब हमने पैसे उसने ओरिजिनल दिए कितने थे ब्याज को काट कर, ठीक है। तो मैं यह बताना चाहिए ये जो 840 है वह है प्रिंसिपल गुणा में 840, इसके बाद आपने कुछ नहीं करना, बस फॉर्मूला है सिंपल इंटरेस्ट बराबर है प्रिंसिपल गुणा में रेट गुणा में टाइम और बटे में सो। चाहे तो देखो प्रिंसिपल की वैल्यू रख लो इसमें, चाहे सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू निकाल रख लो। तो इसलिए हमने चाहिए है क्या, प्रिंसिपल की वैल्यू तो हम सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू इसमें पुट करेंगे। तो क्या करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट बराबर किसके आ जाएगा 840 माइनस में पी, समझ गया बात यह। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा 840 माइनस में पी बराबर किसके, प्रिंसिपल गुणा में रेट कितना दे रखे हमारे को 5% का, टाइम 12 मंथ मतलब एक साल बटे में सो। तो काट लेंगे भाई हम, क्या आएगा 20 पकड़ेगा, तो पी किसके बराबर आ जाता है 840 माइनस में पी और गुणा में हो जाएगा हमारा 20। इस इक्वेशन को हम आगे कैसे लिख सकते हैं, 840 ये 20 दोनों आता मल्टीप्लाई होगा, एक बार 840 था और एक बार पी था, गुणा में 20 माइनस में 20 पी बराबर में पी। तो 840 गुणा में 20 बराबर किसके आ जाए भाई, वो जा वहाँ जा करेगा प्लस का 20, तो ये हो जाए 21 पी के बराबर, ठीक है। तो पी की वैल्यू हम निकालेंगे, पी की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी भाई 840 गुणा में 20 बटे में 21। तो 21 ने इस पर काटोगे तो 4 पर जाओगे वो, और 4 दूनी 8 और 2 जीरो की 2 जीरो ला दो, तो प्रिंसिपल कितना आ गया हमारे पास 800 रुपये, जिसमें क्या था 40 रुपये हमारे पास ब्याज है। तो 800 रुपये देखो प्रिंसिपल हो गया, तो 840 है टोटल करके, तो क्या है 40 रुपये हमारे पास इसके बार क्या हो गया ब्याज हो गया। तो यह बात बताना चाह रहा था मैं कि 840 ऐसे दे रखे कि इसमें प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट ऐड होगा दे रखे। तो ये था छठा क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन था यो।